और उससे पहले देश जब गुलाम था और कांग्रेस ने जब देश को आजाद कराया, मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, 57% वोट लिए, बीजेपी की वोट है, वो 37 में थक गई। सबसे मजबूत जनता है, कैंडिडेट कोई मजबूत वगैरह नहीं है, जनता के दिमाग में कौन फिट बैठे। सूबे में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों राजनीतिक पार्टियां जो अपना अपना दावे कर रही है, अपने अपने जोर लगा रही, ताकि इस बार बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंक, सत्ता काबिज करे। वही अशोक गहलोत बार बार कह रहे इस बार राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा। हमारे साथ है जैसलमेर विधायक रूपाराम जी, उनसे जानते हैं किस आधार पर मुख्यमंत्री जी कह रहे कि इस बार राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं, वास्तव में जो 5 वर्ष में सेवा की, और उससे पहले देश जब गुलाम था और कांग्रेस ने जब देश को आजाद कराया, और उसके बाद में जो 75 वर्ष का सफर है पूरे देश में, उसमें अब लोगों को पूरा समझ में आ गया कांग्रेस क्या है, दूसरी पार्टियां क्या है, पब्लिक के लिए और देश के लिए हितकर क्या है, सबके समझ में आ गया। आप यहाँ देखो, अपन जैसलमेर विधानसभा की बात करें तो जैसलमेर विधानसभा में आप देखो, मेरे जैसा आदमी सामान्य सीट पे पार्टी ने मेरे से विश्वास किया, मेरे को यहाँ जनता ने 57% पड़े हुए वोटों में वोट दिए, 57%, जबकि सीट बीजेपी की, यहाँ बीजेपी 11 बार अदर देन कांग्रेस जीती है, जनता दल, स्वतंत्र पार्टी, बीजेपी, ये हो 57% कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देना और बीजेपी 37% पे थक गई, बाकी को 2-4% इधर उधर नई दिल्ली वगैरह नोटा पे गई। ये क्या है, इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये आंकड़े बताते हैं। मैं अभी मेरी विधानसभा में आता जाता ही रहता हूँ, अभी चुनाव 2023 इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो असंख्य योजनाएं की है, मेरा सब कार्यकर्ता निवेदन है कि जितनी राज्य सरकार की स्कीम है उनको बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिले, और मैं ही उसमें लगा हुआ हूँ। अगले 6 महीने में निश्चित तौर पर सामना आपका बीजेपी से होगा, और बात करें बीजेपी की तो एक बहुत बड़ी फेजी लिस्ट है, तो किसको कमजोर किसको मजबूत समझते आप इस बहुत बड़ी लिस्ट में? मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे मजबूत जनता है, कैंडिडेट कोई मजबूत वगैरह नहीं है, जनता के दिमाग में कौन फिट बैठे। मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, 57% वोट लिए, बीजेपी की वोट है, वो 37 में थक गई। अभी मैं पब्लिक के पास जा रहा हूँ शहर में, आप देखो शहर है, मैंने पिछली बार 4,500 वोटों से आगे रहा, 4,000 शहर है राजस्थान में, अर्बन में हर जगह कांग्रेस साधारण के पीछे रहती है, तो यहाँ 1 वे कर दिया। अब की बार मैं करीब मैंने 3,000 मीटिंग दी है गाँव ढौनिया में, ये आपके मोहल्ले में मीटिंग दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, 3,000 एक होगी, तो 70% लोग कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पार्टी जिसको भी टिकट दे, मुझे दे, किसी और को दे, 70% लोग 23 के इलेक्शन में वोट देंगे, पीछे रहे 30% ही है। अब मजबूत वगैरह उनके पास है ही, 30,000 दो होंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, 70% कोई हाथ डाल नहीं पाएगा, ऐसा जनता का मानस। ये थे जैसलमेर विधायक रूपाराम जी, जिनका कहना है कि जैसलमेर विधानसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस इतनी मजबूत है कि 70% वोट एक तरफा जा रहे हैं, और बात करें अगर भाजपा की तो वहां एक फेरिस्त लंबी लिस्ट है जो उनके लिए एक तरीके से नुकसानदायक साबित हो सकती है। कैमरा सोनानुगोल के साथ गणपत दैया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।